अधो पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस वक्त अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए। पुष्पा एक नामी ब्रांड बन चुका है। पुष्पा का नाम सुनते ही सबके मुंह से एक ही डायलॉग निकलता है, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं। हाँ भाई, और अब ये फायर डबल होने वाला है। आज हम बात करने वाले पुष्पा 2 द रूल के बारे में, जो 6 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी लेकर आने वाली है। भैया, इस वीडियो में आपको मूवी प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और पुष्पा का नया स्वैग सब मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना पुष्पा भी नाराज हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक, याद है ना पुष्पा द राइज ने 2021 में ऐसा धमाका किया था कि अल्लू अर्जुन सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं ऑडियंस के दिलों पर भी रूल कर गए थे। न जाने कितने लोगों ने पुष्पा का स्वैग अपने दोस्तों गर्लफ्रेंड के सामने ट्राई किया था। मैं बैटिंग कर सकता हूँ कि वो अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस नहीं कर पाए होंगे। पुष्पा द राइज ने अराउंड 350 करोड़ का कलेक्शन किया था और मूवी ने हमें एक ऐसा हीरो दिया जो अंडरवर्ल्ड के वर्ल्ड में रूल कर रहा था बिना किसी के सामने झुके हुए। और पुष्पा का स्वैग के साथ अब हम पुष्पा के रूल को देखने के लिए तैयार है। सबको इंतजार है उस मूवमेंट का जब पुष्पा शेखावत से टकराएगा। भाई, इस जंग को देखने के लिए लोग पॉपकॉर्न नहीं ट्रक भर के स्नैक्स ले जाने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं पुष्पा 2 के बारे में। जो हमें टीजर में दिख रहा है उससे तो ये पक्का है कि पुष्पा अब एक नए पावर के साथ वापस आएगा। स्टोरी अब उस जगह तक ले जाएगी जहां पुष्पा अपना रूल एस्टेब्लिश करेगा। भैया, फिल्म में मेन ट्विस्ट ये है कि शेखावत उसका रास्ता रोकेगा। शेखावत अब ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई आम आदमी अंडरवर्ल्ड में इतनी पावर बन जाए। और भैया, सुनने में तो ऐसा भी आया है कि इस बार पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब हमें पुष्पा का एक और डायमेंशन देखने को मिलेगा। पुष्पा के जो डायलॉग्स थे वो ऑलरेडी मीम मटेरियल बन चुका है। चलिए थोड़ा इमेजिनेशन करते कि पुष्पा 2 में क्या डायलॉग होने वाला है। अल्लू अर्जुन अपने स्वैग में शेखावत से बोल रहा हो, तू समझा मैं झुकेगा, पुष्पा अब रूल करेगा। कितना बवाल हो जाएगा ना इस डायलॉग के बाद, तो भैया थिएटर ही फट जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पुष्पा शेखावत को ऐसे डिफीट करेगा जैसे सलमान भाई ने रेस 3 के स्टोरी लाइन को डिफीट किया था। ऐसा लगता है कि पुष्पा का लव एंगर सिलीबरली के साथ कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस बार थोड़ा इमोशनल साइड भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखने वाली बात यह है कि श्रीबल्ली का कैरेक्टर पुष्पा के रोल को कैसे इम्पैक्ट करता है। आपको याद है ना पुष्पा 1 में डायरेक्टर सुकुमार ने कितना बड़ा काम किया था, एक एक सीन को इम्पैक्टफुल बनाया था, और इस बार तो उन्होंने फिल्म में जान डाल दिया होगा। खबर आई है कि पुष्पा 2 का एक्शन सीक्वेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होने वाला है। अब चलिए आते हैं पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन पर। पुष्पा द राइज ने ऑलरेडी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पुष्पा 2 का मार्केट में जैसा हाइप है उस हिसाब से 200 करोड़ का ओपनिंग तो बनता है वर्ल्ड वाइड। बाकी असल में क्या होता है ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अगर इस बार पुष्पा ने लाइफ टाइम में 1000 या 1200 करोड़ नहीं बनाए तो पुष्पा के फैंस खुद उनके स्टाइल में थिएटर को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन पुष्पा 2 के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके कंपटीशन में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में धावा, जिसमें विक्की कौशल होंगे, और वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन जो 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, ये सब उनके कॉम्पिटिशन में होने वाला है। तो इतना आसान तो पुष्पा 2 के लिए कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है इन फिल्मों से पुष्पा 2 पर क्या फर्क पड़ेगा, ये नहीं कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और भैया, पुष्पा 2 कितना का ओपनिंग लेंगे ये भी कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।